हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, टायर वन का पेपर है। 9 सितंबर 2024 को शिफ्ट वन में ये पेपर कंडक्ट किया गया। और आप देख रहे हैं कि पिछले दो तीन साल से बच्चों पेपर जो है पैटर्न बड़ा ईजी लेवल का आ रहा है। तो हम देखते हैं 25 क्वेश्चन ये जो आए हैं क्वांट के, वो किस लेवल के हैं, किस तरीके से इसको करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी सारी की सारी डायमेंशन बराबर होती हैं। बराबर होने के लिए तीनों की या तो साइड बराबर होनी चाहिए, यानी ट्रिपल एस जो रूल है वो बराबर होने चाहिए बच्चों, या फिर दो एंगल बराबर और एक साइड दो साइड के बराबर, ए डबल एस कह लो या एस ए एस कह लो, एस ए एस रूल होता है। तो ये कुछ रूल्स लगते हैं बच्चों, जिससे कि हम देख सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या दोनों की डायमेंशंस बराबर है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, कि दो ट्राइंगल्स दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल होने के लिए पहली कंडीशन है, पहले ये बोल रहा है कि दे हैव टू इक्वल साइड्स एंड द सेम पैरामीटर। अगर दोनों साइड इक्वल हैं, यानी साइड वन जो है इसकी साइड वन के बराबर, साइड टू इसकी साइड टू के बराबर, और सेम पैरामीटर है सबका, दोनों का टोटल भी सेम है, तो डेफिनेटली इसकी साइड टू जो है, इसकी साइड थ्री जो है, इसकी साइड थ्री के बराबर आएगी। तो ट्रिपल एस जो रूल है बच्चों, उससे ये समय में आएगा कि दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस स्टेटमेंट से तो हमें पता चल जाएगा। अब दे हैव द सेम एरिया एंड द सेम बेस। अगर एरिया सेम है ए वन और ए टू का, एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट होता है, और बेस भी सेम है तो ये कट गया सारा, तो हाइट सेम आ जाएगी। अब बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो ये अब बेस और हाइट ऐसे भी हो सकता है, ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है बच्चों, किसी भी तरह से हो सकता है। तो इसकी जो डायमेंशन है तीनों, वो इस डायमेंशन के अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये जो ट्रायंगल है इस तरह का और ये इस तरह का, दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो दोनों दे आर नॉट इक्वल, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमारे पास ये आंसर गलत आ जाएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर एक एंगल और एक साइड इक्वल आ जाए, तो हमें एक और साइड चाहिए होगी बच्चों, तो ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है इसको प्रूव करने के लिए। दे हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। अगर बेस और हाइट भी सेम आ जाए, तब भी आप देख सकते हैं ये हमने प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो इस कंडीशन में बच्चों आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही निकल के आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर वन आएगा। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 एवरेज बॉयज के हैं, 80 गर्ल्स के हैं, और दोनों के मिलाकर 78 हैं। तो इनकी दो रेशियो है बच्चों, इस तरीके से एलिगेशन से हम निकाल सकते हैं कि ये 3 और ये 2, यानी बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो क्या आएगी, 2:3। तो ये हम एलिगेशन से इजीली बना सकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन आसान है। थर्ड क्वेश्चन है द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दो साइडों का सम 16 है, तो ये 8-8 हो गए तीनों साइडें, ठीक है। देन द थर्ड साइड इज 8 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइडें सेम होंगी। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू और आर में टोटल कितने बच्चे हैं और इसमें से प्रेजेंट कितने हैं, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एबसेंटी इज द सेकेंड हाइएस्ट इन टोटल ऑफ ऑल सेंटर्स। सेकेंड हाइएस्ट कौन से साल में है? अब 2016 हमारे पास नहीं है, 17 है, 18 है, 19 और 20, 4 साल हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो 5 आ रहा है एबसेंटीज, यहाँ पर बच्चों 20 आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 5 आ रहा है, तो इसका टोटल बनेगा 30। अगर यहाँ पर देखें 4, यहाँ पर देखें 20, यहाँ पर देखें तो 10, तो इसका 34 आएगा। ये बच्चों कितना आ गया, 11, 11, ये आ गया हमारे पास 12 और ये आ गया हमारे पास 8, तो ये आएगा 31, 31। इसका जो डिफरेंस है 11 है, इसका डिफरेंस 14 है और इसका डिफरेंस 5 है, तो इसका अगर टोटल करें तो 25 और 5, 30 बनेगा। तो हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये है, तो 2019 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 2019 यानी फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन ये है कि 217924K डिविजिबल है बच्चों 6 से, तो k की वैल्यू डेफिनेटली 02468 होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इवन नंबर होना चाहिए, तभी 6 से जाएगा, ठीक है। और ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 3 का मल्टीपल है, 7 और 2 9, 3 का मल्टीपल है, 4 और 2 6 भी 3 का मल्टीपल है। 1 में कितना जोड़ें इनमें से,
ताकि एक 3 का मल्टीपल आ जाए, 1 को 2 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, 1 को 4 जोड़ेंगे तब नहीं आएगा, 1 को 6 जोड़ेंगे तब नहीं आएगा, 1 को 8 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, और 1 को 0 जोड़ेंगे तब नहीं आएगा। तो हमारे पास 2 और 8 हो सकते हैं, कैन बी द वैल्यूज हो सक पूछा उसने, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ऑप्शन में है, तो 2 हमारा ऑप्शन में है, तो 2 ही हमारा बच्चों आंसर आएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन बच्चों ये है डीआई का, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स। इसके 150 में से 90% नंबर हैं, तो 150 और 90% बच्चों 135 होता है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। द नंबर इन द ब्रैकेट गिव्स द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, इस पूरे सब्जेक्ट में पूरे नंबर कितने हैं। इफ समवन सिक्योर्स ऑल द हाईएस्ट स्कोर्स दैट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट और द अदर इन द 6 सब्जेक्ट्स, सभी में से सबसे जो हाईएस्ट नंबर हैं उस सब्जेक्ट के, वो अगर किसी बच्चे ने अटेंड किए हों, यानी इसने 100 में से 100% नंबर लिए हैं, तो इसके 150 नंबर आ जाएंगे। इसमें से इसके जो हाईएस्ट हैं वो 80% हैं, 80% बच्चों 104 नंबर होते हैं। इसका जो हाईएस्ट है वो 90% है, तो 90% इसका 108 नंबर हो गए, और इसका जो हाईएस्ट है वो 95% है, 95% 95 मार्क्स हो गए, और इसका जो हाईएस्ट है वो 90% है, 90% मार्क्स इसके 54 हो गए, और इसका हाईएस्ट 90 है, 90 40 36 हो गया, तो ये हमारे हाईएस्ट नंबर आएंगे। ठीक है, व्हाट विल द एग्जैक्ट ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय दैट स्टूडेंट, पूरी एग्जैक्ट परसेंटेज कितनी होगी अगर इसको हम टोटल करें, ये बनेगा बच्चों 90 और 95 185 हो गया, 185 और 108 293 और ये 397 और 4547 मार्क्स आएंगे उसके, कितने टोटल में से 150 और 250 400 500 600 में से 547 मार्क्स हैं। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर आएगा 91 1/6 बच्चों, ये परसेंटेज हमारा ए ऑप्शन आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आराम से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन है बच्चों ये, अगला क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/4 हो गई, माइनस साइन स्क्वायर 40 की हमें वैल्यू नहीं पता, इसको छोड़ दें अभी ऐसे ही, प्लस साइन 45 की 1/√2, तो ये 1/2 हो गई, माइनस साइन स्क्वायर 55 माइनस साइन स्क्वायर 35 को ऐसे ही रहने दें। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन 35 को कॉस स्क्वायर 90 माइनस 35 यानी 55 में। ठीक है, और इसको साइन स्क्वायर 45 हमारा 1/2 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 50 को हम कॉस स्क्वायर 40 बना सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 60 रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ये आपको बच्चों मालूम होना चाहिए कि साइन 50 जो होता है वो हमारा कॉस 40 होता है, और ये हमारा साइन 55 जो होता है या साइन 35 जो होता है, ये इसकी बात करें, अगर इसको छोड़ें इसकी बात करें, साइन 35 जो होता है वो हमारा कॉस 55 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये और ये मिलाकर -1 बनेगा, और ये दोनों मिलाकर भी -1 बनेगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये -1 -1 हो गया, तो हमारे पास बचा 1/4, -1 -1 -2 +1/2 +1/2 +3/4, 3/4 और 1/4 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2 2 - 2 हमारा 0 हो गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का 4th आंसर आएगा, यानी 7th का 0 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 29 प्लस, अब कॉस 61 को बच्चों हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 - 61 यानी साइन ऑफ 29, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 29, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका आंसर बच्चों 1 आ जाएगा। देखो कितना इजीली पेपर बना पा रहे हैं, इजीली क्वेश्चन हम बना पाएंगे बच्चों, क्योंकि लेवल इतना मुश्किल नहीं आता टायर 1 का, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं पेपर का लेवल इजी आ रहा है बच्चों। ठीक है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550, इसमें है 1-2 क्वेश्चन अच्छे वाले भी, बट बाकी क्वेश्चन का लेवल इजी है। इट इज गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 40%, इसके ऊपर 40% का हमने डिस्काउंट दे दिया, और सेलिंग प्राइस जो है 10% मोर होगी कॉस्ट प्राइस, यानी प्रॉफिट हमारा 10% हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है ये हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला बच्चों सीधा आप यूज़ कर सकते हैं, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। एमपी की वैल्यू बच्चों 550 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट।
डिस्काउंट हमारा 40 है तो 60 हो जाएगा नीचे, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चेंज करें 500 में, तो 5 × 6 = 60 कितना हो गया, 300 हो गया। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर 300 आ जाएगा। देखो कितना इजीली हम 9 क्वेश्चन तक पहुंच गए बच्चों। ठीक है, अब ये 10th क्वेश्चन है, ये चार्ट है बच्चों। द गिवन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स के परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं बच्चों ये इन एन इंस्टीट्यूट। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स चाहिए आर नीडेड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में 105 नंबर कितने में से, 175 में से, इसको 100 से करें तो हम निकालते हैं 7 आएगा बच्चों ये, और ये 4 होगा तो यानी ये बनेगा 400। इसको काट दें 15 से 15 चौके 60, तो यानी हमारे पास 60% नंबर आने चाहिए अगर हिस्ट्री में कोई पास होना चाहता है तो। तो राम मोहन और श्याम में हिस्ट्री में कौन कौन पास है बच्चों, तो एक ही बच्चा पास है श्याम, क्योंकि 60% से ऊपर सिर्फ ये लेके आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आएगा इसका। कौन है वो, श्याम है बच्चों। ठीक है, तो ये 10th क्वेश्चन है, आगे 11th पे चलते हैं। फिल पाइप पी इज 21 टाइम्स फास्टर देन क्यू, तो अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 21 है, और क्यू इसको 110 मिनट में भरती है। ठीक है, अगर दोनों भरेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी 22 हो जाएगी। तो इसका जो वर्क आएगा बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए एफिशिएंसी और ये टाइम है। एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वर्क आता है, यानी 110 काम अगर ये करेगा तो डिवाइड बाय करेंगे तो 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो 5 मिनटों में बच्चों ये सिस्टम भर जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 11 है। अब आगे चलें 12th क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू कोन्स, दो कोन है बच्चों हमारे पास, उनकी जो रेडियाई की जो रेशियो है वो 2:5 है R1 और R2 की रेशियो। ठीक है, और वॉल्यूम की रेशियो भी पता है, तो हाइट की रेशियो निकालनी है। अब हाइट क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² × h। अब h का फॉर्मूला क्या बना, वॉल्यूम 3 volume / πr² तो ये फॉर्मूला बनेगा, दोनों की हाइट का ये रेशियो बनेगी। ये V1 V2 ये ऐसे कर लो और πr² कर लो। यहाँ से हम देखें तो 3 की हमें ज़रूरत नहीं, पाई की भी हमें ज़रूरत नहीं। V1 की वैल्यू पुट करें, ये 3 है और R1 की वैल्यू 2² 4 हो जाएगा, और V2 की वैल्यू 5 है और R2 की वैल्यू 5² 25 हो जाएगा। अगर इसको काटें हम यहाँ पर तो रेशियो क्या आएगी बच्चों, 15:4। तो हमारा आंसर 15:4 इस तरीके से इजीली निकल पाएगा। अगर हम हाइट की टर्म्स में इसको निकाल लें इधर जाके, तो हम इसको इजीली इक्वेट कर सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो x³ + अगर इसको देखें, 125 किसका क्यूब होता है बच्चों, 5 का, तो ये बनेगा 5³ + 3 × x² × 5 प्लस 3 × x² × 5² = 25। ये हमारा 75 और ये हमारा 15 बन रहा है बच्चों, ये वाला। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, x + 5 का, ये बच्चों क्या है, होल क्यूब है, और नीचे x - 5 और x + 5 है। ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें ये मालूम है बच्चों कि ये x² है और -5 का स्क्वायर है। a² - b² जो होता है, a - b × a + b होता है, जब इसको कटिंग करेंगे ये बच जाएगा हमारे पास, और इसके साथ में x - 5 भी हमारे पास हमें दिया हुआ है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारा x + 5 का होल स्क्वायर आएगा, जो कि बनेगा x² + 10x + 25। ये थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चों इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इसको हमें क्यूब को फॉर्म करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि किसका क्यूब है बच्चों ये। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k इफ, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऑफ नहीं है बच्चों, इसमें पहले डिवाइड कर देते हैं 11 11k - 9/6² 36 - 35 1 होगा 1+k² ये 1 की वैल्यू है, तो 11k - 9 की वैल्यू 1+k² है। अब k की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट भी कर सकते हो बच्चों, 1 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, 11 - 9 2 होता है और ये भी 2 होता है, तो 1 से सेटिस्फाई कर रहा है। अब 10 से 10 पुट करेंगे तो 110 - 9 101 बनेगा, और ये 100 + 1 101 बनेगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो k² - 11k + 10 बनेगा, और इसके जो रूट्स बन के आएंगे बच्चों 10 और 1 बन के आएंगे। ये प्लस है, दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस होंगे, दोनों प्लस ही लेकर चलेंगे हम। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बन के आएंगे। इस तरह सॉल्व कर सकते हो, या सीधा इसमें बच्चों आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
यहाँ पर हमें मेंशन है बच्चों कि एक सर्कल है, उसके सेंटर में ओ पॉइंट है, ये ओ इज द पॉइंट। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन सेम साइड ऑफ द रेडियस। इसी तरफ ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ से हमने यहाँ पर यहाँ परपेंडिकुलर बनाए दोनों पे, ये पी और क्यू पॉइंट है, ठीक है। अब ये ए बी कौन सी लेंथ है हमें देखना पड़ेगा। ए बी छोटी वाली लेंथ है, ये 10 है तो ये 5 और ये 5 होगी, आधे में काटेगा बच्चों। ये परपेंडिकुलर जब भी बनता है तो ये आधे आधे में काटता है, ये आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। और सी डी की वैल्यू 24 है तो ये 12-12 होगा, और ये पॉइंट पी है और ये क्यू है, ये 7 है। अब ये देखें अगर हम तो ये और ये, तो ये एक 12 और 5 का अगर हम देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम का रूल बनता है कि अगर ये 12 है तो ये डेफिनेटली 5 होगा, और ये 13 होगा, और ये अगर 5 है तो ये 12 होगा, क्योंकि ये 13 आ चुका है तो ये भी 13 होगा और ये 12 होगा पूरा। और 12 और 5 में देखें तो 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमें ये लेकर चलना पड़ेगा बच्चों कि ये 12 का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है वो 5 और 13 के साथ होता है। तो हम 13 रेडियस निकाल लेंगे, 13 × 2 = 26 हमारा बच्चों सीधा सीधा डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, अदरवाइज फिर हमें इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। ये डिफरेंस 7 है तो अदरवाइज फिर हमें इसको एक्स लेकर चलना पड़ेगा कि ये 12 प्लस, और इसको हम सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो हम इजीली बना सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, ठीक है। 15 क्वेश्चन ऐसे बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कोसेक थीटा की वैल्यू हमारी 5/3 है, तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि होता है बच्चों टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बच्चों सारा कटकटा के 1 हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू चाहिए जो कि 25/9 आ जाएगा, तो 25/9 सी ऑप्शन हमारा 16 क्वेश्चन का निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। दिस डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। एक सर्कल बच्चों हमारे पास है 22 रेडियस का, और दूसरा सर्कल है हमारा 10 सेंटीमीटर का। अब ये 22 है और ये 10 है, वैसे तो ये 10 और 22 32 बनना चाहिए, बट ये 37 बन रहा है दोनों के सेंटर्स का, तो ये पूरा 37 है, तो 32 में 5 ऐड करेंगे तो ये टोटल 37 बन रहा है बच्चों, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी लाइन होती है बच्चों, ये लाइन वो होती है जो इस तरीके से इसको पॉइंट को कॉन्टैक्ट को, ये दोनों ट्राइंगल दोनों सर्कल एक ही तरफ होने चाहिए, ये भी इस तरफ है ये भी इस तरफ है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और आर एम एंड क्यू, अगर ये एम है और ये क्यू है बोलता है, देन लेंथ ऑफ द एम और क्यू की लेंथ कितनी होगी। आपको ये मालूम होना चाहिए बच्चों कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर हम इसमें यहाँ से इसके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके पैरेलल, तो ये भी 37 हो जाएगी, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आ रहा है, यहाँ पर राइट एंगल है तो ये 37 सबसे बड़ी साइड है। और अगर हम इसमें देखें ये 22 है और ये 10 है, तो ये 10 होगी तो ये होगी 12, तो 37 और 12 के साथ m और q की वैल्यू कितनी आएगी। 37 और 12 का अगर हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना हो तो 35 होता है, क्योंकि 37 का स्क्वायर 1369 और 12 का स्क्वायर 144, तो बचेगा कितना 225, और ये 1225 बनेगा, 1225 जो होता है 35 का स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू बनेगी बच्चों 35, तो ये वैल्यू हमारी 35 आ रही है, तो लेंथ कितनी आएगी बच्चों 35, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं जो इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन ना याद हो तो हम डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका ये है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक सर्कल है जो कि जिसका सर्कमफ्रेंस 840 मीटर का है, 840 मीटर की रेस है। ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं बच्चों, ये भी ए है ये बी है, फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द, इसकी स्पीड है बच्चों 6 मीटर पर सेकंड और दूसरे की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी स्पीड आप कह सकते हो कि इसकी डबल है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट नेक्स्ट, कब मिलेंगे बच्चों, क्योंकि बी आपको लग रहा है कि बी आगे चला जाएगा, बी ए पीछे रह जाएगा, बी आगे जाता जाएगा ए पीछे रह जाएगा, तो पहली बार कॉन्टैक्ट में तब मिलेंगे जब इन दोनों का जो डिफरेंस है 12 माइनस 6 का, जो कि 6 आ रहा है, वो 840 के बराबर हो जाएगा। और वो कितनी देर में होगा ये हम देख लेते हैं, ये होगा 140 सेकंड में,
इसका मतलब 140 सेकंड के बाद ये दोनों मिलने वाले हैं। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये बढ़ता चला जा रहा है हर सेकंड में। एक सेकंड में ये डिफरेंस होगा 6 मीटर, दूसरे सेकंड में ये डिफरेंस होगा 12 मीटर, और ये जब इसको मिलेगा दोबारा तब इन दोनों के बीच में एक लैप का फासला, एक लैप मतलब 840 मीटर का फासला हो चुका होगा। ये अगला लैप पे जा रहा होगा और ये पिछले लैप के लिए होगा बच्चों, ठीक है। तो एक लैप का फासला कब होगा? जब 840, तो इसको हमने 840 बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा बच्चों? 6 को 840 बनाने के लिए 140 गुना है तो 140 सेकंड लगेंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का 18वें क्वेश्चन का ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन 19 देखो, आर पे 100 टू पी, आर ने पी को 100 रुपये दिए, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये की डिनोमिनेशन में। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है। द नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स यूज फॉर पेइंग इज 40। टोटल कॉइन्स बच्चों 40 रुपये, 40 कॉइन्स हमने यूज किए हैं, ठीक है, कॉइन्स यूज किए हैं। अब व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 इन द पेमेंट? 5 रुपये के कितने कॉइन्स हैं ये हमने निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से करेंगे? 40 कॉइन है तो हम आर ने जो टोटल है बच्चों इसका वो 100 रुपये बनना चाहिए, ठीक है। 40 कॉइन है हमारे पास, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये कॉइन है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज फॉर प्लेइंग पेइंग आर 40। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज के कितने कॉइन है? अगर हम इसको मान लो ऑप्शन से लेकर चलते हैं कि 13 कॉइन ले लें इसके, 13 × 5 65 रुपये, तो ये हो गए बच्चों। बाकी बचे हमारे पास, देखिए अब इसको करने का तरीका क्या है, बाय ऑप्शन कर सकते हैं आप, बट आप देख रहे हो सब में 1 रुपया तो है ही है ना, 1 रुपया तो इसमें भी है, 1 रुपया इसमें भी है, 1 रुपया इसमें भी है। यानी 40 के 40 कॉइन्स अगर सब में 1 रुपया निकाल लें तो 40 रुपये तो सीधा यहाँ से हो गए। तो हमारे पास बचे कितने? 60 रुपये। 60 रुपये को हमने यहाँ से, हम 1 रुपया ले चुके तो 4 रुपये यहाँ से बचे और 1 रुपया यहाँ से बचा हमारा। अब 60 रुपये पूरे करने हमने इनको देने के बाद, ठीक है, हमने 60 रुपये पूरे करने हैं। अब इसकी हमें कोई वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। अगर हम देखें, अगर 13 × 52 हो गए, अगर ये 13 ले लें, 13 × 52 हो गए और ये 60 पूरे करने हैं तो ये हमारे होंगे 8। तो 13 और 8 हो गया हमारा। अब ये अगर क्वेश्चन देखें बच्चों कि इसमें सब में से 1-1 रुपया हम ले चुके तो 4 रुपये इसमें से बचे, 4 की वैल्यू अगर हमें 60 बनाना है बच्चों वो 16 से नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये 16 × 64 तो सीधा यहीं से हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है 13 और 8 वाला। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ? 5 के 13 कॉइन हैं और 8 कॉइन हमारे 2 रुपये के हैं, तो ये हमारा बना 65 रुपीज़, ये 16 रुपये, ये तो हमारे बन गए 81 रुपये टोटल। 81 को 19 में जोड़ेंगे तभी 100 बनेगा, तो यानी 1 रुपये कितने कॉइन होंगे? 19। अगर हम इसमें कॉइन देखें, 19 और 8, 27 और 13, 40 कॉइन हमारे ये हो गए पूरे, और हमारे पास जो पूरा टोटल कुल मिलाकर रुपए हैं वो भी 100 रुपये बनते हैं। तो यही पॉसिबिलिटी है 13 वाली, इन सब से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसी से सॉल्व हो पाएगा, इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से, 1 रुपया सब में से ले लो, 1 रुपया इसका गया, 1 रुपया इसका गया तो 1 रुपया बचा, और 1 रुपया इसका गया तो 4 रुपये बचे। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 13 से करेंगे तो 52 बनेगा, ये 8 आएगा, तो 13, 8 और 19 हमारा एक ऑप्शन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, तो क्वेश्चन नंबर 19 इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। एक इलेक्शन हुआ, इसमें बोल रहा है कि वाई पर्सन डिड नॉट वोट, वाई पर्सन देने नहीं आए, 10% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, और वाइल ऑल दी, ये भी थोड़ा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है क्योंकि इसमें परसेंटेज देखो ये इस तरीके से दी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखो 59, ये 0.375 का मतलब होता है 3/8। इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनेगा 472 और 3 475 / 8। परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आएगा, 25 × 100, 25 × 4 = 16 और 3 = 19, तो ये बनेगा बच्चों 19/32। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि 19/32 बन रहा है। द कैंडिडेट हु गॉट ऑफ द वैलिड वोट्स कास्ट
वर डिक्लेयर्ड इलेक्शन वॉज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484। इसको जो वोटें मिली हैं 32, अगर टोटल हमारे पास वैलिड वोट्स हैं बच्चों, उसमें से 19 वोटें ये ले गया। इसका मतलब दूसरे बंदे को 32 माइनस 19 13 वोटें मिली होंगी, और इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 का आ रहा है, और 6 की वैल्यू 2484 वोटों से जीत गया है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 41404, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन वॉज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। अब ये 414 आ गया, तो इस 414 को हम 32 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैलिड वोट्स आ जाएंगे। अब 32 इंटू 414 जो है ये वैलिड वोट्स आ गई, जो कि 10% निकलने के बाद ये 90% की वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू ये होगी, और इंटू 100% की वैल्यू आ जाएगी जो वोट डली थी हमारे पास। वो पूछ कर रहा है कि डिड नॉट वोट जो थे वो कितने थे, हम देख लेते हैं कितने वोट डली थी हमारे पास। 16,000 से डिवाइड करके इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये हमारा आएगा, हमारा 10 यहाँ से गया, और 9 4 36 और 54 96 और ये 16 2 से जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 92/100। इसका मतलब है 92% वोटें डली थी, तो कितने वोटें नहीं डली थी 8% हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को पीछे शुरुआत करेंगे यहाँ से कि हमारे पास 32 वोटें टोटल वैलिड हैं, उसमें से 19 ए को मिली, तो 32 माइनस 19 कितना हुआ 13 बी को मिली, तो उन दोनों में फ़र्क है 6 का, 6 की वैल्यू ये है, तो एक पार्ट की वैल्यू ये आ गई, इसको 32 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास टोटल वैलिड वोट्स आ गई। अब ये 10% निकलने के बाद है, क्योंकि 10% तो इनवैलिड हो गई थी, तो ये 90% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू ये होगी टोटल वोटें, और ये जो है वोटें जो डली हैं वो 16,000 का कितना परसेंटेज निकाल लेते हैं, 92% आ रहा है बच्चों ये, इसका मतलब 8% जो होंगी वो डिड नॉट वोट होंगी, तो इसकी वैल्यू 8% आ गई। तो ये क्वेश्चन 20th है, इस तरीके से करना है। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, 19 नंबर भी और 20 नंबर भी, इसमें दो ही क्वेश्चन बढ़िया बेहतरीन है, बाकी सब इजी क्वेश्चन है बच्चों सारे के साथ, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, मोहन बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 422,092 एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट, उसने पहले साल में 21,679 रुपीज़ दे दिए उसने, ठीक है, पहले साल के बाद। अब होगा क्या, यहाँ पर उसने लोन लिया बच्चों 422,092, ठीक है, और 20% ब्याज के बाद उसने यहाँ पर किस्त चुकाई 21,689। अब यहाँ पर वो कितनी किस्त देगा, ताकि उसका जो सारा कुछ मोहन क्लियर्स ऑल द पेंडिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अक्रूड 20%, ये भी उसने दे दिया। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, यहाँ पर कितना पेमेंट देगा बच्चों वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये जो 20% होगा पहले वो इस पूरे के ऊपर लगेगा, यानी हमारा जो इसका 20% आएगा 422,092 का डबल आएगा, तो ये बनेगा 4.18, 4, 4 और 8, ये हमारा ब्याज लगेगा बच्चों इस साल में। अब इसमें से उसने ये अमाउंट दे दिया, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 422,092 में से 21,669, ये बचेगा हमारे पास 3, 1, ये 0, 4 और ये 4। तो ये हमारा जो 20% होगा अगला वो इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका 20% है बच्चों वो कितना आएगा, इसका 20% आएगा 8,002.6, ये हमारा ब्याज, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। अब हमें जो ये 400413 तो देना ही देना है, साथ में ये जो टोटल ब्याज है वो देना है, ये 6 और 4 10 हो गया, एक यहाँ जुड़ा 8 और 2 10 और 1 11 हो गया, 8 9 10 4 और 1 5 4 और 1 64, ये हमें यहाँ देना है 1,64,501। तो अगर हम देखें 4,1,9,4,6,5,64,914 रुपये हमें देने होंगे, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, थोड़े कैलकुलेटिव है, बट ये तीन क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, 19, 20 और 21। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, इस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों, अगर आपने सारा, क्योंकि अगर 25 में से 3 क्वेश्चन निकाल दें 22 क्वेश्चन तो सभी करके आएंगे, जो 25 वाला होगा वही तो आगे जा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने हैं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, x² - 9 बन जाएगा x - 3 * x + 3
और जब इसको काट देंगे नीचे वाले x प्लस थ्री से तो हमारे पास x माइनस थ्री बच जाएगा जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी सवाल है, इसको इससे ऐसे करना है। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड 17/27 ऑफ द ऑर्डर इन 17 बुक्स का ऑर्डर उसने 34 दिन में कर दिया तो 27 बुक्स इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर बुक्स प्रिंटिंग कितने दिन में करेगा 54 डेज में ये हमारा आंसर आ जाएगा। 17 का ऑर्डर 34 दिन में तो 27 का ऑर्डर 54 डेज में तो 54 आंसर आएगा बच्चों 54। ठीक है ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल सा जिसे बोलते हैं कि यूनिटरी मेथड है क्वेश्चन है बच्चों। अ ग्रोसर प्रोसेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस 870 ग्राम की बजाय ग्राम उसने दिया 1 किलो यानी 1000 ग्राम की बजाय तो 1000 से 870 लाने के लिए 130 ग्राम का उसको उसने कम दिया तो ये प्रॉफिट होगा उसको और किसके ऊपर निकलेगा ये प्रॉफिट 870 के ऊपर इंटू 100 करेंगे ये कट जाएगा 1300/87 आएगा ये कटेगा नहीं अब 87 13 और 30 43 4 30 आएगा अप्रॉक्सीमेटली बच्चों 14 पॉइंट समथिंग बनेगा 15 पूरा नहीं बनेगा तो 14 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन लेंगे जो 14.94 के आसपास आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं पूरा एग्जैक्टली नहीं निकालना बच्चों अप्रॉक्सीमेट करके आप आंसर मार्क करें। सेकेंड ऑप्शन हो गया इसका 24 नंबर का तो ये हमने देखा 24 क्वेश्चन ईजी था। 25 क्वेश्चन बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है ये कि टेबल शोज 100 में से कितने कितने परसेंट मार्क्स हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट हैं कितने कितने मार्क्स हैं बच्चों ये दिए वो ऑब्टेन 79% मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टेकन टुगेदर सबका जो टोटल है बच्चों वो 79 बनना चाहिए। अब इनका जो एवरेज है वो भी अगर 79 बन जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब एवरेज 79 बनने के लिए हम देखें अगर सबका कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये 79 से एक ज़्यादा है 79 से ये 4 कम है 79 से ये 14 कम है 79 से ये 6 ज़्यादा है और 79 से 11 ज़्यादा है तो 11 और 14 और 4 18 होता है 11 और 6 17 और 1 18 होता है तो ये जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है 18 और 18 तरुण का ही आंसर आएगा बच्चों तो इसका मतलब तरुण हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका जो एवरेज है वो देख लो एवरेज निकालने के लिए आप 79 को मिडिल वैल्यू लेके उसमें वेरिएशन डिविएशन देख लो कितनी आ रही है अगर सारी की सारी पॉजिटिव डिविएशन जो है नेगेटिव के बराबर हैं तो इसका मतलब 79 ही है बच्चों। ठीक है तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंप्लीट हो जाता है तो आई होप सबको कुछ ना कुछ लर्निंग हुई होगी इस पेपर में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें बच्चों। ठीक है थैंक यू थैंक्स लॉट टेक केयर एंड सी यू बाय बाय बेस्ट विशेज आपके अगले एग्जाम्स के लिए बच्चों टेक केयर।